नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप श्रीवास्तव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, सपोर्ट दिया। चलिए सीधा समय ना बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा ये टॉपिक है गवर्नमेंट टेंडर्स को लेकर। ठीक है दोस्तों, देखिये जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि हमारे जो बायर है वो दो होते हैं, दो तीन बायर होते हैं। एक सबसे बड़ा बायर हमारा फार्मर है, दूसरा जो बायर होते हैं वो लोकल लेवल पे लोग होते हैं जो अपने फार्म हाउस और अपने प्रॉपर्टीज को कम गार्डन्स वगैरह को वॉल टू वॉल करने के लिए खरीदते हैं। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा बायर है वो है गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार। सरकार के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग होते हैं जिन विभागों में जाली लगती है, ठीक है, जहां उनको जाली लगानी पड़ती है, जिसके लिए वो लोग समय समय पर टेंडर निकालते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे और कौन कौन इसके बारे में टेंडर्स निकालता है और आपको टेंडर्स के बारे में जानकारी कैसे पता चलेगी। दोस्तों तो सरकारी विभाग की बात की जाए तो सरकारी विभाग में कौन कौन है जो सामान्यतः टेंडर निकालता है, ठीक है। टेंडर निकालने के लिए सबसे पहले आता है CPWD, PWD और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया आपका, ठीक है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हो गया, ग्राम पंचायत एवं विकास निधि होती है और कुछ NGOs होते हैं और स्टेट की गवर्नमेंट भी होती है। मतलब ये सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके ये टेंडर समय समय में इनकी जरूरतें होती है। जहां भी कुछ नया डेवलपमेंट होता है, जहां कुछ नया कंस्ट्रक्शन होता है ना, वहां ये कंपलसरी लगता है और इसकी सप्लाई के लिए समय समय पर टेंडर्स निकलते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सेंट्रल का भी निकलेगा और स्टेट का भी निकलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टेंडर सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट्स पे निकलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के टेंडर जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की साइट्स पे निकलते हैं। दोनों साइड पे टाइम टाइम पे ये टेंडर्स निकलते रहते हैं और आपको अगर आप इस तरह का कोई प्रोडक्ट आप सप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट टेंडर में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको क्या है, समय समय पे इन वेबसाइट्स के थ्रू या टेंडर की जो लिंक होती है उन लिंक के थ्रू आपको समय समय पे जाके उसे चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन से आपके हित की चीजें हैं, कौन सा आपके इंटरेस्ट की चीज है जिसपे आप, कौन सा टेंडर आपके इंटरेस्ट का है जिसपे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। अब इसका क्या है कि इस गवर्नमेंट टेंडर जिसे लोग जो समझते हैं, इसके बेनिफिट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सामान्यतः बहुत से ऐसे व्यापारी होते हैं या बहुत से ऐसे मैन्युफैक्चरर होते हैं जो ना ये सोचते हैं दोस्तों कि यार सरकारी डिपार्टमेंट में सप्लाई का काम हम तो नहीं कर पाएंगे, वहां तो टोटल सेटिंग चलती है। तो ये सोच है लोगों की, समझना मेरी बात को, सोच और सच्चाई में बहुत फर्क है। हाँ मैं मानता हूं कि कुछ हद तक का कहीं ना कहीं सेटिंग रहती है, मगर आज का जो समय चल रहा है ना, आज गवर्नमेंट की जो परचेसिंग की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर इतना ट्रांसपेरेंट हो चुका है, इतना ट्रांसपेरेंट हो चुका है कि वहां परचेसिंग में किसी प्रकार का कोई सेटिंग नहीं चलता है। आज गवर्नमेंट जो है जितनी भी परचेसिंग है वो ऑनलाइन कर रही है, ऑनलाइन बिडिंग के माध्यम से कर रही है। तो ऑनलाइन बिडिंग में अगर आप भी शामिल हो जाते हो और आप बिड डालते हो तो होना क्या है मेरे दोस्तों, अगर आपकी बिड सबसे कम होगी ना तो आप किसी की कोई सेटिंग पिटिंग नहीं चलने वाली, वो टेंडर आपको ही मिलेगा। अब इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। गवर्नमेंट के जितने वर्क ऑर्डर आपके पास होते हैं ना, तो उससे आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बनती है। एक नॉर्मल वर्क ऑर्डर सेल करना, किसी व्यक्ति को सेल करना, देखिए मैं फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा जो बोलना चाहता हूँ, किसी कंपनी की क्रेडिबिलिटी ना तब वहां पर बनती है जब वो किसी ऐसे उसके पास ऐसे कस्टमर हो जिसकी गारंटी ली जा सकती है कि हाँ ये जेन्यून है और इसने रियली में इसको माल बेचा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए फोकस सेल करते हैं, बोकस सेल और बोकस परचेस करते हैं। बोकस सेल और बोकस परचेस करने के कारण क्या होता है, उनका टर्नओवर तो बढ़ जाता है पर उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती। क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं होती क्योंकि वो पूरा सेल और परचेस क्या होता है, ऐसे लोगों के साथ किया होता है जिनकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। पर जब गवर्नमेंट टेंडर आपके पास आते हैं और गवर्नमेंट को आप सप्लाई करते हो तो वो 100% ऑथेंटिक होता है, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, आप बैंक में भी आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा और किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप सप्लाई या किसी दूसरे काम में आप हाथ डालते हो तो वो जो है आपका सप्लाई का जितना आपने गवर्नमेंट में सप्लाई किया होगा ये पूरा का पूरा वर्क ऑर्डर ना आपके एक्सपीरियंस के फॉर्म में काउंट होता है। और जब ये चीज एक्सपीरियंस के फॉर्म में काउंट होती है ना दोस्तों, तो क्या ये आपकी क्रेडिबिलिटी को स्ट्रांग करती है। सामने आप जिस भी अधिकारी से बात करेंगे अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ में, तो वो ये समझने को तैयार हो जाता है कि हाँ भाई सामने वाला बंदा जो है वो एक्सपीरियंस बंदा है, कोई आलतू फालतू बंदा नहीं है। तो मेरे बोलने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट हमें करना चाहिए,
सभी को करना चाहिए। डरने का कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। देखो आज आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग की सेटिंग है, ट्यूनिंग है, ये है, वो है, तो सेटिंग और ट्यूनिंग जिसकी चलती होगी चलती होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उसने भी तो कभी शुरुआत की थी क्या? कभी उसने भी तो पैर रखा था ना? हो सकता है कि उसकी किसी ने उंगली पकड़ के वहां तक पहुंचाया होगा, हो सकता है। मगर क्या हर बच्चे को उंगली पकड़ने की जरूरत है? नहीं, बच्चे अपने से भी चल जाते हैं। आपको चलना बस तो है, एक बार एंट्री बस तो करनी है। एक बार जब एंट्री कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर इतना माइंड है, इतना टैलेंट है कि आप अपने रास्ते बना लोगे। तो डरने का, हिचकने का कुछ नहीं है। आप खुलकर गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट कीजिए। और आज की परचेसिंग जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, परचेसिंग और बाइंग जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। आप आसानी से अपने रेट पे अपनी चीज को बेच सकते हो गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट में जो माल आप बेचते हो उसकी क्वालिटी चेक होने के बाद, है ना, उसकी क्वांटिटी चेक होने के बाद जब आपको रिसीविंग मिल जाती है तो पेमेंट की भी गारंटी, पेमेंट की श्योरिटी जो होती है ना वो 1000% है कि आपका पेमेंट कहीं इधर से उधर नहीं जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, बट अभी जो गवर्नमेंट की परचेसिंग का जो प्रोसीजर चल रहा है उसमें क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने एक नई एजेंसी बना दी है जिसके मार्फत परचेसिंग हो रही है। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट जब परचेसिंग के लिए कोई टेंडर निकालती है तो उसके पहले ही उस एजेंसी के पास उसका पैसा जमा कर देती है। व्हाट इट मींस कि आप जो सप्लाई कर रहे हो उसका फंड ऑलरेडी रखा हुआ है, इसलिए आपके पेमेंट में भी डिले नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपका पेमेंट भी आपको तत्काल मिल जाएगा, सिक्योरिटी भी है, प्लस आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है और आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी बनती है। साथ ही साथ आपके अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि ये इतना हेडेक नहीं है जितना आपको लगता है कि गवर्नमेंट में सप्लाई करना। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके मैं इस पार्ट को यहीं पास खत्म करता हूं। इसके बाद वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से गवर्नमेंट के टेंडर इश्यू होते हैं और आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो और उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे की जानकारी के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखें। धन्यवाद।